राइट सर्किट आउट्स कोलासिप गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल गुड मॉर्निंग मिजोरम कोलासिप ये है कोलासिप डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे कुछ गोरखाली स्टोरी जानने को मिला है मुझे यहाँ पे आश्चर्य देखिए इन्फेक्शन बंगलो कोलासिप ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1908 एडी ये एडी का है मतलब 1905 से स्टार्ट किया जी 1908 में खत्म हुआ जी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2280 नेम्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मिस्टर इंद्र सिंह सर भक्ते छेत्री सबसे पहला वर्कर यहाँ का स्टाफ 1905 देश आजाद होने से पहले धनेश्वर उपाध्याय महा सरम कबे घरती नैना सिंह थापा दुर्बलभद्र लाल प्रसाद जयसिंह इज द लास्ट वन इन 1976 आफ्टर हिज डेथ अपॉइंटमेंट गोज टू ऑल मिजो इन्फेक्शन बंगलो 2880 रुपए में बना था रुकिए मैं आपको यहाँ का पूरा कंपाउंड दिखाता हूँ उस जमाने में यहाँ पे एक बोर्ड है उस ब्रिटिश जमाना का स्टाइल है ना सर पूरा ब्रिटिश जमाना का ब्रिटिश ने बनाया जी ब्रिटिश ने बनाया जी जो पहला वर्कर लोग थे सब गोरखा लोग ही थे जी इसमें जो सेप्टिक टैंक बनाया ना जी किस तरह से बनाया पता नहीं जी अभी तक उसको वो फिल नहीं हुआ नहीं मतलब। अभी तक एम्प्टी है अभी तक एम्प्टी मतलब उसको अभी तक साफ कभी नहीं किया अभी तक नहीं किया ना नहीं किया ओ माय गॉड मतलब 1908 एडी से लेके अभी तक उसको साफ नहीं किया किस टेक्निक से बनाया हुआ पता नहीं ब्रिटिश जमाना देखिए गाइस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2880 रुपया में ये पूरा कंपाउंड में अभी आपको दिखा रहा हूँ स्टार्ट जो यहाँ के जो वर्कर लोग थे गोरखा लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ का जो इस डिपार्टमेंट पे जो जॉब जो जिन्होंने किया था पहला गोरखा भक्त छेत्री जी 1905 ना सर पूरा हिस्टोरी लिखा हुआ देखिए 1905 मतलब बहुत ही आगे देखिए ये है आईबी रुके मैं आपको दिखा रहा हूँ 2880 रुपये में ये आईबी बना देखिए उस जमाना में कम्प्लीटली ये पूरा एरिया जो आपको ये तो नया बिल्डिंग है अभी तो नया है जी ये तो कितना लाख से बनाया है जी जी। अभी इंडियंस बनाया है जी जी ये ब्रिटिश का है ये ब्रिटिश जमाना में ये गोरखा लोगों ने बनाया है लगाया है सब गोरखा ने लगाया सब गोरखा ने लगाया है जी जी लाल सिंह लामा तो मिजोरम आइजोल पे फर्स्ट चीफ जो थे फर्स्ट चीफ उनका नाम है लाल सिंह लामा 1897 में सोच के देखिए ब्रिटिश फाइल भेटे जगह का दूसरा जगह का चीफ अच्छा चंपाई ईस्टर्न साइड में जी जी सिंहवीर राय एक जमदार था जी कर्नल शेक्सपियर ने रखा 1902 से 12 ओ 1902 से लेके 1912 तक 12 तक एंड उसके बाद में उसको ये आदमी मर गया जी वो उसका लड़का जी सिरधन राय को चीफ आर्मी में सिपाही में मतलब वो ब्रिटिश सिपाही में था ब्रिटिश सिपाही जी उसको सिपाही से निकाल के जी चीफ बना दिया ब्रिटिश ने जी तो सिरधन राय का जितना ये वाइट राइस इंट्रोड्यूस कर्नल शेक्सपियर ने 1898 में कर्नल शेक्सपियर ने वो उस जगह पर खेती का जो खेत होता था जी जी खेती में उसको पूरा गोरखा को लगा दिया उधर गोरखा को लगा दिया तो 1898 से लगा दिया तो मिजो लोग तो नहीं जानता था उस टाइम में जी 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 उस टाइम में 1904 में मिजो को सिखलाने शुरू किया काम सिखाने वो जो खेती कैसा करता है अच्छा खेती में कैसा करना है तो उसमें मेरा माता का नाना सुक्रीम बहादुर थापा मिजो ने उसको बूरा बोलता है बूरा बोल के बुलाता था उसने खेती करने का तरीका सिखाया जी
खेती करने का सिखाया, कैसा खेती करना है उसको, हल कैसा चलाना है, मोई कैसा चलाना है। अभी तक उस गांव में मोई हल बोलता है, तो मैं मिजो को बोलता हूँ मोई हल तो तुम्हारा वो नहीं है, ये हमारा भाषा है। अब हमारा हम लोग आप लोग को टीचर था तो इसीलिए हम लोग मोई हल बोलता था, अभी आप लोग भी मोई हल बोलता है, तुम्हारा भाषा में है नहीं है, ये तो गोरखा लोगों का है ना, गोरखा लोग, गोरखा लोग मोई हल अभी भी उन लोग मोई हल बोलता है, अभी तक भी मोई हल बोलता है। जय बहादुर ने 1925 में मिजो लोगों को खेती करना सिखाया, खेती करने सिखाया, अपना भी खुद खेती बनाया। जी जी जी। तो खेती बनाने के बाद में उसको उधर ही रहता था, लेकिन 1932 में जब गुजर गया वो ऐसे ही वो उसका जमीन तो ये पूरा टोंगा साइलो को टोंगा साइलो चीफ हो गया, तो टोंगा साइलो के अंदर में पूरा चले चला। तो गाइस अभी तक मैंने आपको दूसरा होस्ट से मिलाया नहीं है, यहाँ पे हमारे सर है होस्ट। हेलो, मेरा नाम बीएस थापा। बीएस थापा और आपका बड़ा भाई है? मैं विष्णु कुमार। विष्णु कुमार सुब्बा, उनका नाम है विष्णु कुमार सुब्बा। इधर है हमारे बीएस थापा सर, मिजोरम यूथ कमीशन को कोऑर्डिनेटर स्कॉलरशिप सेंटर का। तो पहले सर मिजोरम स्कॉलरशिप जो यहाँ पे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उस पर सर प्रिंसिपल थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और अब हम यूथ कमीशन, उसमें क्या क्या होता है, यूथ को कैसा यूटिलाइज करना है। जी जी जी। जैसा आईएएस का कोचिंग क्लास चलता है, एमसीएस मिजोरम सिविल सर्विस कोचिंग, और एमएसएसबी वो भी हम लोग इधर टीचिंग कर लेता है, और रिक्रूटमेंट टाइम में सिपाही का उधर में हम लोग रनिंग जी जी ये जो क्लास कराता है। और गाइस यहाँ पे जो टेंट के बारे में बता रहा था, जहाँ मैं टेंट में भी बैठा हूँ, तो टेंट सर कहीं भी लगा के कोई भी आराम से बैठ सकता है ना सर, ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। यहाँ मिजोरम पे आप कहीं भी टेंट लगा लीजिए, आपको होस्ट मिलना बहुत ही ईजी है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, आपको लिफ्ट कोई भी दे देता है, मतलब इंसानियत बहुत ज़्यादा है सर ना मिजोरम पे, बहुत। उधर में ओरिजिनल हॉस्पिटल है जी जी, अभी भी है। हाँ। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना जी, हाँ, ये तो अभी का नया बिल्डिंग है। ओरिजिनल जो था 1911 में था, वो अभी तक उसको रखा है। और ये डायरेक्शन ना साइडान उमर भेंग टुम्पियो जो आरोमा थी ना, आरोमा जी, टुम्पी जाने से इधर से जाता है। अच्छा अच्छा, हमारा नेपाली गांव इधर था। जी जी जी, अभी भी है जी। गोरखाली गांव जो गोरखाली लोगों का जो गौशाला है, कौन सा गांव था सर गांव का नाम? गोट गांव। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गोट गांव, उसके बाद में जाएंगे नीचे रेंटेकोन। ओके, तो ये है ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडियन गोरखा हिस्ट्री लोग का, मिजोरम का कुछ इतिहास, गांव, और थोड़ा सा पहले मैंने आपको दिखाया आई बी, वहाँ पे पहला स्टाफ थे काम करने वाले गोरखाली, और चीफ के बारे में मैंने बताया, आइजोल पे पहला चीफ गोरखाली थे सर, और एक सर है आइजोल पे हमारे गोरखाली जी, और मैं पहले आइजोल डीसी में अपर डिवीजन क्लर्क में थे, उसके बाद में पेंशन लेकर वॉलंटियर पेंशन लेकर उसके बाद में अभी मैं कोलासिब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी वकील 18-19 साल चल रहा है वकील का काम। वकील गोरखाली वकील से भी मैंने मिल गया मिजोरम पे आने के बाद, थोड़ा सा पहले आई बी उसके बाद में अभी गोट गाँव, तो ये हमारे कोलासिब टाउन के अंदर वकील करते हैं गोरखाली बीबी तामांग, उनका नाम है बीबी तामांग जी ये भी। तो आज हम लोग सब लोग जाने वाले हैं गोट गाँव, सर आप भी जाएंगे क्या हमारे साथ? हाँ जाएंगे, तो सब हम लोग मिलजुल के आज हम जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ मैं हमारा गोरखाली लोगों का इतिहास, सब कुछ जानने को मिला मिजोरम पे आने के बाद,
तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं गोटगांव के लिए। आगे बढ़ते हैं। हजर मैं कर्नल रिटायर शिवलाल जोशी। शिवलाल जोशी जी, कितने साल से सर इधर रह रहे हैं? मैं तो बाई बर्थ यस यस इस गांव में नहीं, बल्कि मैं सीफिर में पैदा हुआ हूँ जी, आइजोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर।